एक माता के नाते, पिता के नाते, दोस्तों के नाते जो ज्वलंत ज्वाला जलाए रखी है, जब निराशा में आदमी जाता है तो बड़ा बुरा लगता है कि व्हाई कांट वी हैव आशा 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 आशा। तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम अगर आपके साथ मिलकर कंधे से कंधा लगाकर इसको कुछ और गति दे सके, स्पीड दे सके, आशा को प्रज्वलन दे सके, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय और शायद अंतरराष्ट्रीय, मैं वर्धा में रहता हूं, मेरा जन्म स्थान है, निराशा में वातावरण, दारू वगैरह वगैरह, मैं निगेटिव नहीं बोलूंगा, हम लोग ढूंढ रहे आशा की किरणें, अपवाद। कैन वी लोकेट मोर एंड मोर एक्सेप्शन जहां बढ़िया काम हो रहा हो, जो रेप्लीकेबल है, जो मार्केटिंग द अनमार्केटेड का भाग है, मार्केटिंग द अनमार्केटेड। मैं कुछ विचार रख रहा हूं एक्शन के लिए और बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस यूनिवर्सिटी का नाम मैंने पढ़ा था जब कटेरिया जी के साथ में हमने गोल्ड का पढ़ा, गोल्ड। आज सवेरे मैं वो डॉक्टर साहब से मिलके आ रहा हूं और मेरा और बैटरी चार्ज हो गया कि हम गति ला सकते हैं शुभ लाभ के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, संपन्नता समृद्धि समग्रवाद के साथ। भारत विश्व गुरु बने, विश्व रीडिफाइन करे, गुरु रीडिफाइन करे, चैलेंजेस ऑफ अवर टाइम रीडिफाइन करे, अपना एक्शन प्लान क्रिएट करे, यूथ और वुमेन्स का रोल उसमें एकोमोडेट करे, ग्लोबलाइजेशन में लोकलाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन। मैं काम की बात पर आ रहा, थोड़ा बैकग्राउंड था। पहला मेरा अनुरोध है अच्छे लोगों का अभिनंदन, सीरीज ऑफ एक्सेप्शंस, गांव गांव के स्तर पे क्या हम इनिशिएट कर सकते हैं जिससे छुपी क्षमता, हिडन टेक्नोलॉजी, हिडन एस्पिरेशन, हिडन पोटेंशियल्स आगे आए। पहला पॉइंट, इसके लिए हमने जामवंत मिशन बनाया। मैं हूं चेयरमैन रूरल बिजनेस पर, मुझे 12 साल हो गया आईएएस सेक्रेटरी से रिटायर होते हुए, वर्धा में काम किया, तो मैंने देखा जो मिसिंग लिंक है, जो कमजोर कड़ियां है उन्हीं को हम आगे लाए, जो मजबूती है वो है मार्केटेड, जो मिसिंग लिंक है उसको सीमेंटिंग करना। हमने एक मिशन बनाया है जामवंत मिशन के साथ, इनोवेटिव इंप्लीमेंटेबल इन्वेस्टिव इन्वेस्टिगेटिव इंक्लूसिव आइडिया फॉर इंडिया। केवल इनोवेटिव आइडिया से कुछ नहीं होगा, दे नीड टू बी ऑपरेशनलाइज्ड, दे नीड टू बी इंक्लूसिव। जब तक सर्वोदय नहीं होगा, सबको नहीं जोड़ेंगे, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेबल नहीं होगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, ग्लोबलाइजेशन में लोकलाइजेशन को नहीं बैठाएगा। मुझे बड़ी खुशी है, कल हम डॉक्टर साहब के साथ बैठे हुए थे, मैं जहां पहली बार कलेक्टर था इमरजेंसी के दौरान में, गाजीपुर जिला डॉक्टर साहब का जन्म स्थान, तो मैं डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब हम अपने अपने जड़ों से क्यों न जुड़े, जड़ों से जुड़ो। तो डॉक्टर साहब बोले, मेरा घर है, मैं जाता हूं वहां, बहुत काम करता हूं। बोला, डॉक्टर साहब क्यों ना मिलकर काम किया जाए, उंगलियों की मुट्ठी कैसी बने विदाउट यूजिंग आवर पर्सनैलिटी। हमारा जो पोजीशन है तो है, ये इधर है, इधर है, ये इधर है, इधर है, हम कोई नहीं बोलेंगे लंबा हो जाए, छोटा हो जाए, जगह बदल ले, इधर आ जा, उधर आ जा, जो जैसा है वैसा है। क्या हम मिलकर उंगलियों की मुट्ठी बना सकते हैं? तो डॉक्टर साहब ने और हमने कल एक मूवमेंट बनाने का भाग, मैं गाजीपुर का पहला कलेक्टर था, मतलब मेरा पहला कलेक्टर था गाजीपुर का, डॉक्टर साहब का जन्म स्थान है। जरा आप लोग ताली बजा सकते हैं कि हम दोनों को आशीर्वाद देते हुए कि डॉक्टर साहब आप बहुत बुजुर्ग है, रिकॉग्नाइज है, वेल मार्केटेड है, मगर आपके पर्सनैलिटी के, स्वभाव के, जवानी के, तमन्ना के, अपेक्षा के कई भाग है अनमार्केटेड। कैन वी मार्केट देम एग्रेसिवली? हम गाजीपुर जिले में मिलकर अगला एक साल का अल्टरनेटिव एक्शन एंड पीपल्स प्लानिंग कमीशन का भाग बनाएंगे। मैं प्लानिंग कमीशन में रह चुका हूं, मेरी 40 किताबें हैं, मेरे भी दिल में कुछ भयंकर दर्द है। मैं वर्धा, मेरा जन्म स्थान है, 4-5 साल काम किया, फेल हो गया। बाद में रियलाइज किया कमल टावरी अकेले काम करने का नहीं है, और अपने जन्म स्थान में अकेले काम बिल्कुल मत करना। गांधी जी भी गुजरात छोड़कर वर्धा गए थे, तब सफल हो पाए। तो मैं सोचा डॉक्टर साहब को देना, इन्होंने रहना नहीं और मैंने भी रहना नहीं, मगर क्यों ना हम गाजीपुर जिले को
बनारस से लगा हुआ समग्रवादी विकास का ढांचा जिसको विश्व गुरु का मॉडल है। डॉक्टर साहब सहमत है ना? वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब के लिए एक बार और ताली बजा दे। हम चाहेंगे हम लोग आपका आशीर्वाद ले, यंग लोग और महिलाओं को। मैं बहन जी से अनुरोध करूंगा कि आप कृपा करके 70% महिलाएं हमारा टारगेट, जो भी हमारा कार्यक्रम होगा, पढ़ाई का, लिखाई का, गाय का, गोबर का, निर्यात का, क्लस्टर का, पेड़ का, पानी का, गोबर का, जो है एक्टिविटीज जो जीवन बनाती है उसमें 70% महिलाओं की भागीदारी। कारण आपको मालूम है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हमने ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, ये 90 साल पुराना संगठन है, 90 साल, और उनके पूरे इंडिया में चैप्टर्स है। हम चाहते जिनके पास ऑलरेडी जड़े जड़ से जुड़ी हुई है, नया हमको कुछ नहीं करना, केवल जोड़ना है, जो हो रहा है वो और कैसा अच्छा हो, दमदार कैसा हो, शुभलाभी कैसा हो। अब ऐसी दिशा में हमारा अनुरोध होगा, क्या हम अपने जिलों से, अपने समाज से, अपने चिंता के बिंदु से जुड़े और टेक्नोलॉजी से जुड़े। अब मेरा थोड़ा मत है, मैंने जो अपनी किताबों में लिखा है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कौन सी है वो डिसाइड करेगा जिसको ले। तो कैन वी हैव लोकलाइजेशन। अभी मैं डॉक्टर साहब का पेपर पढ़ रहा था श्रीवास्तव जी का, उन्होंने जोर दिया है स्थानीय भागीदारी पर। मुझे ऐसा लगता है हम लोग मिलकर वैल्यू एडिशन, डाइवर्सिफिकेशन और रिटायर्ड लोगों के योगदान के साथ, धानुकाजी जैसे लोगों के साथ काम करेंगे, अल्टरनेटिव एक्शन एंड पीपल्स प्लानिंग पॉलिसीज कमीशन। हम निगेटिव नहीं इसलिए बोलते कि वो प्रोडक्टिव नहीं होना, निगेटिव का प्रोडक्टिव। तो लेटेस्ट टॉक ऑफ सीरीज ऑफ परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन जिन्होंने कर दिया। हमारे पास ऐसे 200 मॉडल का हम किताब निकाल रहे हैं, जिसमें एक मॉडल है जंगली जी का, जिन्होंने उत्तराखंड में श्रीनगर के आगे 1,00,000 पेड़ लगाए अपने पैसे से। और मैं अपनी बात खत्म करने के पहले इतना बोलूंगा, मैं अध्ययन करने गया कि उनके 1,00,000 पेड़ में से एक भी पेड़ नहीं जला जब अभी भयंकर आग वहां लगी। आजू बाजू के जंगल के सारे पेड़ जंगल के जल गए और वही उनके 1,00,000 एक पेड़ नहीं बचा। मैं उसका निष्कर्ष निकाला जो मैं किताब में लिख रहा हूं, ये जंगली जी के पेड़ थे, एक गांव वालों की भागीदारी थी। जब आग लगी तो गांव वाले पेड़ बुझाने आए, सुरक्षा के लिए आए कि आग न लगे, आग लगी नहीं तो बुझाने का सवाल नहीं, मगर आग लगे ही नहीं इसके लिए प्रिकॉशन में तैयार होके आ गए। तीसरा, वो पेड़ों में बायोडायवर्सिटी था, वो एक जाति के पेड़ नहीं थे, और उससे लोगों की भागीदारी में इनकम, शुभ लाभ, रोजगार, बायोडायवर्सिटी, ग्राम का स्वराज जुड़ा हुआ।